अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আমি প্রথমে পুরুলিয়া জেলা জেলা সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী মহাশয়কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মুখোশ দিয়ে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি তারপরে আজসু পার্টির সভাপতি সুদেশ মাহাতো মহাশয়কেও মুখোশ দিয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়কে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ভারত মাতাকে, भारत माता के जय श्री राम, जय श्री राम। এরপরে আজসু পার্টি সভাপতি সুদেশ কুমার মাহাতো মহাশয়কে অনুরোধ করছি, তিনিও মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সম্মান করবেন মুখোশ দিয়ে। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। আমি পুরুলিয়া জেলা জেলা সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী মহাশয়কে স্বাগত করার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। বিদ্যাসাগর দা, সবাইকে ধন্যবাদ। আজ আমাদের অতি সৌভাগ্য, স্বাগত আমাদের মধ্যে मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया पुरुलिया वाले की आवाज को ऐसे बोलोगे क्या? देखिए मोदी जी दिल्ली में है, आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प का मुट्ठी बिंचिए, मुट्ठी पीछे सब दीदी लोग भी मुट्ठी पीछे, और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुदेश महतो जी, भाई सुदेश महतो के लिए सभी लोग एक ताली बजाओ जो भाजपा को जिताने के लिए बंगाल में आए हैं। हमारे सांसद और पार्टी के महामंत्री जिन्होंने संगठन को खड़ा करने में 2017 से ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, श्रीमान ज्योतिर्मय महतो जी, ज्योतिमा जी खड़े हो जाइए आप। दूसरे सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, चंद्रप्रकाश जी आजसू के नेता है, जिला अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती जी, जिला के समीक्षक विवेकानंद जी, विवेकानंद नहीं है, जगदीश कुमार जी, निवारण महतो जी, विभूति महतो जी, महिक मांझी जी, गौतम कुनिया जी और कार्तिक चालोक जी। सबसे भाई ओ सिक्योरिटी थोड़ा पीछे आ जाओ, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का दो हाथ जोड़कर मैं माफी मांगना चाहता हूं कि ये चिलचिलाती धूप में आपके पर मंडप हम नहीं डाल पाए हैं। मित्रों, आप सभी का हृदय से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि आपको इतनी गर्मी हो रही है, मगर ये दीदी का त्रास इतना है, संत्रास इतना है कि इतनी गर्मी में भी, इतनी धूप में भी आप दीदी को हराने के लिए खड़े हैं, आप इतनी भीड़ में भी। मित्रों, मैं इस रंगा माटी देश पुरुलिया की धरती को प्रणाम करकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं
कि ये कुर्मी महतो और आदिवासियों से भरा हुआ प्रदेश, जिसने हमेशा के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना योगदान दिया, वो माटी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। ये माटी बड़े बड़े वीर पुरुषों की, ये बिरसा मुंडा की भूमि, महान संथाली लेखक रघुनाथ मुर्मू की भूमि है, महान सपूत सिद्धो कान्हो की भूमि है। ये भूमि ऋषि निवारण चंद्र, मान भूमि केसरी अतुल चंद्र घोष, मान भूमि ये जननी है। मित्रों, मैं आज ये संथाल हुल के, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, दांत खट्टे, संथाल हुल के संग्राम के सभी शहीदों को याद कर हम सब की ओर से मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादातर धूप में बैठे रहे, मगर मैं, इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, इतनी सारी संख्या में दीदी आई हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, पुरुलिया जिले में आपको यहां पर पीने का पानी घर के अंदर नल से मिलता है क्या, बताइए? मिलता है? मिलता है? मैंने यहां की जांच करी है, फ्लोराइड युक्त पानी दीदी पिलाती है आपको। ये हमारे युवा भर जुवानी में 40 साल होते होते बूढ़े हो जाते हैं, कमर डेडी हो जाती, बाल पक जाते हैं, क्योंकि यहां का पानी फ्लोराइड युक्त है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है, एक बार दीदी को निकाल दो। निकालोगे? जोर से बोलो, निकालोगे? 10,000 करोड़ के खर्चे से एक क्षेत्र में शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मित्रों, 5% से कम घर में पुरुलिया में नल से पानी आता है। मेरी माताएं बहनें दूर दूर से पानी लाती हैं। मोदी जी इसको समझते हैं, हम इसको प्रति बोड़ी परिष्कार जल फंड 10,000 करोड़ का यहां करने वाले हैं। मित्रों, यहां पर बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यहां ये महान संतान, यहां की पद्म भूषण मिहिर सेन की जन्मभूमि है, जिन्होंने तैराकी के अंदर पूरे विश्व में भारत माता का झंडा बुलंद किया था। मित्रों, यहां पर उद्योग लाने के लिए पहले ये वामपंथी सरकारों ने उद्योग को बंद कराने का काम किया, और दीदी ने भी उद्योगों को भगाने का काम किया। यहां पर सबसे पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो सिल्क बना दी थी, दुनिया भर में यहां का सिल्क पहुंचता था, ये कम्युनिस्टों ने इसको बंद कर दिया, और दीदी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को भगाने का काम किया। मित्रों, ये लोग कम्युनिस्ट हो चाहे दीदी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये लोग रोजगारी नहीं दे सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि रोजगारी अगर यहां के युवा को चाहिए, तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए, आज सूखे प्रत्याशी को आपका आशीर्वाद दीजिए। देंगे ना भाई? देंगे ना? आज सूखे प्रत्याशी आ गया है, जरा आ गया हो भाई, सबको हाथ जोड़कर विनंती करो कि आज सूखे प्रत्याशी को यहां से जिताना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को निवेदन करने आया हूं कि आज सूखा जो सिंबल है, केला है, वही हमारा कमल है, वहीं पर हमें बटन दबाना है। मित्रों, मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई, 115 स्कीमें बनाई। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं, और दीदी 115 स्कैम लेकर, कौभांड लेकर आई है। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है,
स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को जीता। बताओ भाई किसको वोट दोगे? मोदी जी को वोट दोगे ना? हाथ ऊपर करके बताओ, दीदी भी बताएं, दोगे ना वोट? मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर किया, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया और 60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया। मगर ये दीदी जो है, स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देती। उसको डर है कि ये रुपया पहुंच गया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे दीदी, कब तक रोकोगी? मैं ये मेरे पुरुलिया के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 2 मई को दीदी को हटा दीजिए, 3 मई से हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि जैसे ही बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, हर किसान के घर में एक साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, एक साथ 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। मित्रों, ये जंगल महल के विकास के लिए हमने जंगल महल बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है। संथाल, उराव, मुंडा, भूमि, अन्य आदिवासी समूहों के लिए हमने एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का निर्णय किया है। और ये कुर्मियों की भाषा को भी उनकी ही भाषा में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई का निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ये जंगल महल पूरा और पुरोलिया, इसको रेल से जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी चालू कर चुकी है, वो आने वाले 2 सालों में समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को कोई गंभीर बीमारी आए तो कलकत्ते जाना पड़ता है ना भाई? जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो, जाना पड़ता है ना? हमने तय किया है कि यहीं पर जंगल महल के अंदर भी नया एम्स बनाकर मेरे आदिवासी और कुर्मी भाइयों को हम स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। मित्रों, मलेरिया और डेंगू देश भर में समाप्त हो गए, मगर दीदी ऐसी है जिसको मलेरिया से दोस्ती है, डेंगू से दोस्ती है। ये बंगाल से मलेरिया और डेंगू तभी जाएगा जब दीदी जाएगी। आप हटाना चाहते हो या नहीं हटाना चाहते हो मलेरिया डेंगू को? बोलो भाई, माताएं बोले। अब मलेरिया और डेंगू हटाना है तो दीदी को भी हटाना पड़ेगा। हटाओगे क्या? भाजपा सरकार लाओगे? आंसू को जिताओगे? मित्रों, हमने 250 बीपीओ के जरिए यहां के आदिवासी और कुर्मी भाइयों को नौकरी देने का वादा किया है। हर घर में एक रोजगारी कम से कम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी देने जा रहे हैं। मित्रों, ये हमारे जंगल के आदिवासी वन उपज को चून चूर कर बीनते हैं, इकट्ठा करते हैं, मगर यहां उसको सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलता। हमने तय किया है कि 49 से ज्यादा उपजों के लिए आप गुंद चुन लो, पत्ते चुन लो, इस प्रकार की वन्य उपजों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार से खरीदेगी और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को पूर्ण रोजगारी देने का हम काम करेंगे। मित्रों, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप
कटमनी से परेशान हो या नहीं हो, जरा बोलो कटमनी से परेशान हो या नहीं हो, कटमनी हटाना चाहते हो? चाहते हो तो तृणमूल कांग्रेस हटा सकती है क्या? हटा सकती है? मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कटमनी हटा सकती है मित्रों, और कोई नहीं हटा सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कटमनी हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। मित्रों, हमने तय किया है ये आदिवासी और कुर्मी महिलाओं को हम 33%, कितना माताएं बोले 33% नौकरी सरकार में उनको लिए रिजर्व कर देने वाले हैं। 33% हमने तय किया है, हर ब्लॉक के अंदर एकलव्य मॉडल स्कूल बनाएंगे। हमने तय किया है कि हम जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, वो चाहे रेलवे में बैठे, बस में बैठे, उनके पास से कोई टिकट नहीं मांगेगा, आपकी सारी सवारी मुफ्त कर दी गई है। मित्रों, ये पुरुलिया के अंदर आदिवासी और कुर्मी स्वतंत्र सेनानियों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी हम बनाने वाले हैं, जिससे हमारे वीरों को श्रद्धांजलि देने का काम। मुझे बताओ भाई, माताओं बहनों के पास से, बच्चियों के पास से फीस लेनी चाहिए क्या? शिक्षा की लेनी चाहिए? ये दीदी फीस वसूल रही है। हमने तय किया है कि आदिवासी और कुर्मी माताओं बहनों की छोटी बच्ची से लेकर कॉलेज तक की सारी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ढेर सारी चीजें हैं, इतनी धूप है, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए भाई, ये घुसपैठ जो हो रही है वो अच्छा है बंगाल के लिए? जोर से बोलिए, वो घुसपैठिए आपकी रोजगारी ले रहे हैं, आपको रोजगारी नहीं मिलती है क्योंकि घुसपैठिए घुसते हैं, आपको ढंग से चावल नहीं मिल रहा है क्योंकि घुसपैठिए खाए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, दीदी की सरकार बदल दो, घुसपैठियों को चुन चुन कर बंगाल से निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने तय किया है भाइयों बहनों के जितने भी शरणार्थी आए, चाहे मतवा समाज के हो, नाम सुंदर समाज के हो, किसी भी समाज के हो, ये सबको नागरिकता देकर सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बहुत लोग बताते हैं कि चुनाव के दिन दीदी के गुंडे आपको डराते हैं, डराते हैं ना? जरा जोर से बोलो, डराते हैं नहीं डराते? अरे मैं गारंटी लेता हूं, एक भी गुंडा नहीं आएगा, बेखौफ जाकर कमल के और केले के निशान पर मतदान करिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ देगा। दीदी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, जनता भरोसा करे। मैं आपको कहता हूं, चुनाव आयोग ने हर पोलिंग स्टेशन पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई, दीदी के हाथ में नहीं है इस बार गुंडागर्दी करना। मेरी बात सुन लो, डरे बगैर कमल के और केले के निशान पर बटन दबाइए, ये गुंडों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल। मुझे एक बात बताओ भाइयों बहनों, कि चुनाव जो होता है लोकतंत्र में, वो लोगों का भला करने के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका भला करने के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मोदी जी चाहते हैं चुनाव आपका भला करने के लिए हो, और दीदी चाहती है चुनाव भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो। अब भला मुझे बताओ भाई, आप भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो या शुद्ध पीने का पानी चाहते हो? शुद्ध पीने का पानी चाहते हो ना? माताओं के लिए मुफ्त शिक्षा चाहते हो ना? माताओं को बस में मुफ्त सवारी चाहते हो ना? आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल चाहते हो ना? आदिवासियों के वन उपज को
सस्ते से खरीदने एमएसपी से खरीदने का व्यवस्था चाहते हो ना? ये कुर्मी समाज के लोग अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं ना? तो फिर दीदी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी, आजसू के प्रत्याशी को जिताना पड़ेगा। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इतनी कड़ी धूप में तपस्या कर आए हो, मतदान के दिन सवेरे सवेरे जाकर कमल और केले के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? भाजपा और आजसू के प्रत्याशी को जिताओगे? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाओगे? दीदी को हटाओगे? तो मैं फिर से एक बार कहता हूं, गुंडों से डरना मत, गुंडे चुनाव के दिन दिखाई नहीं पड़ेंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे। मित्रों, मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाना है, मगर उसके पहले मैं हृदय से फिर से एक बार आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगना चाहता हूं कि हम पंडाल नहीं बना सके, इतनी कड़ी धूप में आपको आना पड़ा। मैं फिर से एक बार माफी मांगकर भारत माता का जयकारा लगवाता हूं। इतना प्रचंड होना चाहिए कि नंदी ग्राम तक सुनाई देना पड़े। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ भाई, सभी नेता भी उठाए दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बिंचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।